बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने लायक के नाम सोने रब दा के यकीन हर एक चीज़ से कादर मुतलक है। गंदारा इनको अदबी इकट्ठ जड़ा के गंदारा इनको बोर्ड दे जरे तमाम हर जुमे नूं या 15 दिन बाद मनाया जाता है, मुनक्कद किया जाता है। अज भी के एक खूबसूरत मौसम भी बार बारिश जारी है। फरवरी दे इस महीने के आखिर दे विचकार भी बारिश भी जारी है ते नाली ठंड ने भी अपना जोर किया है। लेकिन बहरहाल जी अज की महफिल जिहड़ी कि 667वीं महफिल है अज इत्थे आबाद है। तो अज की इस मजलिस की साड़ी अज की इस इकट्ठ की सदारत सैयद खालिद मसूद बुखारी साहब पे कर दें। तो अज की इस मजलिस के विचकार सिकंदर हयात सिकंदर अपनी शायरी पेश कर सन तनकीद वास्ते। यानी अज की साड़ी जी महफिल है ये तनकीदी नशिस्त है जिस विचकार जो दोस्तों ने शिरकत की है। जिस तरह मैं बताया कि बारिश तेज़ है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, आने जाने का जरा जो मसला बना है। बहरहाल दोस्त आते पे लेकिन सने कि असं अपनी शिक का आगाज़ करने हैं। तो इस आगाज़ वास्ते तिलावत कलाम पाक नाल कर सन, तिलावत कलाम पाक की शहादत हासिल कर सन। अली अवैस ख्याल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم। جزاك الله। تلاوت کلام پاک دے نال ساڈی اج دی تنقیدی نشست دا آغاز ہو گیا وے۔ ہن میں صاحب صدارت دی اجازت دے نال गुजारिश कर सज के साडे साहिब शेख सिकंदर हयात सिकंदर कि वह अपनी गज़ल तनकीद वास्ते पेश करन। गज़ल अर्ज़ है जी कि जद भी मेरे विचारा ने किता रक्स काल मेरे दियाँ दीवारा ने किता रक्स जिस वेले भी सच्चाई दी कीती गल सिर मेरे ते तलवारा ने किता रक्स वीराने विच डुबे हुए शहरां दे उजड़े पुजड़े बाजारा ने किता रक्स इस खामोश सहमे सहमे मौसम विच पब्बा पार मेखारा ने किता रक्स मखमल ते किन ख्वाब दियाँ तारा विच मेहनत दिया औजारा ने किता रक्स डिग्री वाले ना उम्मीद जवाना नू वेख वेख के खरकारा ने किता रक्स तक सिकंदर लिखा भी हूँ चीख पियाँ किया जिया ए परकारा ने किता रक्स। जी सिकंदर हयात सिकंदर ने अपनी गज़ल पेश की थी। मैं उन्होंने गुजारिश कर सा कि अपनी गज़ल का पहला शेर दोबारा पढ़ लवन ताकि उसे गलकत हो सके। जद भी मेरे विचारा ने किता रक्स काल मेरे दियाँ दीवारा ने किता रक्स। जी गज़ल का मतलब है कि जद भी मेरे विचारा ने किता रक्स काल मेरे दियाँ दीवारा ने किता रक्स। हाँ बिल्कुल जी। हूँ दोस्तों जनाब सदर बहुत खूबसूरत मतलब है जद भी मेरे विचारा ने किता रक्स और ख़ास तौर पर जड़ी दलील आई है मतले दे नाल जड़ी अदावे सी बात दलील कार मेरे दिया दीवारा ने किता रक्स तो इसने बड़ा आके इस मतले दे हुसन नु मजीद जड़ाया ते चाशनी बख्शनी है ख़ास तौर पर दीवारा ने किता रक्स तो बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर है जी। जी बिल्कुल मैं इसी गल आगे बताना है कैसा कि बड़े तम तराक दे नाल शायर ने अपना मतला पेश किया है जिसमें किया जाता है कि तकल्लुफ बर तरफ हम तो सरे बाजार नाचेंगे हमारे साथ इस घर के दरो दीवार नाचेंगे। बिल्कुल जी उसी का एक परतव लग दिया मनु के विचारा ने रक्स किया है तो बाद मेरे घर दीवारा ने रक्स किया है। मेरे ख्याल एक खूबसूरत मतलब है। सिकंदर साहब हमेशा खूबसूरत गज़ल कहते हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने गज़ल जड़ी गल पै गया टोबा वह भी बड़ी खूबसूरत गज़ल है। ये भी बड़ी खूबसूरत गज़ल है। टेक्निकली भी बिल्कुल साउंड है सेफ है तो अच्छी है। बड़ा खूबसूरत जो मिसरा है मतलब बहुत ही खूबसूरत है तो मैं समझना इस कोई तनकीदी गल है ही नहीं। जिस वेले भी सच्चाई दी कीती गल सिर मेरे ते तलवारा ने किता रक्स। बिल्कुल जी वही सिर ते तलवार सच्चाई ते सच्चाई दा फिर जरा जोर मिलता है। यानी सच्ची गल करने वाले जिस तरह मुश्किल पै जाता है जिस तरह उसमें मुश्किल पेश आती है। बिल्कुल इस शेर के विचार भी यही किया गया कि अगर मैं सच्ची गल करना वहाँ तो तलवारा मेरे सिर पर पकड़िया जाएंगी मैं क्या करा। वो बहरहाल उसनों शायर अपनी तरफों बयान कर दिया कि जिस वेले भी सच्चाई दी कीती गल सिर मेरे ते तलवारा ने किता रक्स। बहुत खूब है जी। जनाब सदर फनी लिहाज ना तो शेर खूबसूरत है लेकिन जड़ी फिक्र इस शेर के बयान की गई है वो एक अमूमी फिक्र है।
यानी सच्चाई जिस तरह से देखने आ, तसव्वुफ दे मैदान दे भी मुख्तलिफ मंसूर नोसी जो सामने रखने आ, और इस तरीके दे जितने भी होते तो सच्चाई सी बात तलवार दा सामना जरूर करना पैंदा है। तो इस शेर दे विच फनी लिहाज नाल तां कोई गलती नहीं गी, लेकिन फिक्री लिहाज नाल भी कोई खास मतलब नवी चीज़ नहीं गी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बहर है गालिब दी जड़ा एक शेर है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तकरीबन अरबी दी उसी बहर दे लिखी गज़ल महसूस होंदी है, जिसे विच के एक बड़ा क्लियर कट बताया गया है कि इस माहौल दे इस माशरे दे सच्ची गल करना जड़ा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो जड़ा कोई भी सच्ची गल कर दे तो उसके सिर के उत्ते तलवारां जड़ियां ते लटक दे आनियां, तो इस तरफ माशरे दी सोसाइटी दे विच झूठ दा बोलबाला है, मकरो फरेब जड़ा बंदा कर दे तो वह कामयाब है, तो सही तो सच्ची तो सुची गल जड़े कर सो तो सिर के उत्ते तलवारां ही लटक दियां रसन। वीराने विच डुबे हुए शहरां दे उजड़े पुजड़े बाजारां ने कीता रक्स। पहले मिसरे वीरानी है तो दूसरे दे विच कर उजड़े पुजड़े बाजार, पहले दे विच वीरानी डुबे हुए शहरां दा जिक्र है, दूसरे दे विच कर उजड़े पुजड़े बाजारां ने रक्स कीता जिक्र है। कोई इतनी मैं समझना कि समझ ना आने वाली कोई गल नहीं कि बड़ी बड़ी गहरी गल नूं बड़ी लंबी गल नूं इन्हां दो मिसरियां दे विचकार बयान कर दिता गया है। ये भी मैं समझना कि हसबे हाल ही है कि वीरानी डुबे हुए शहरां दे उजड़े पुजड़े बाजारां ने कीता रक्स। अच्छा शेर है, ये भी गज़ल दा एक अच्छा शेर है जी। जनाब सदर मैं भी अहमद नदीम मवान साहब की गल नूं सैकेंड कर सां, लेकिन मैं कह सां कि वीरानी विच डुबे हुए शहरां दे उजड़े पुजड़े बाजारां ने कीता रक्स। वीरानी एक दफ़ा तो चलो इस्तेमाल हो गया, लेकिन उजड़े पुजड़े वही उसी मफहूम दे विच या उसी माने दे विच वीरानी दे हवाले नाल ही आया वे कि शहर भी ठीक है वीरान है, लेकिन मैं समझना कि उजड़े पुजड़े की बजाय कोई और इस तरीके का लफ्ज़ या कोई चीज़ और लगा लीती जाती या इंतखाब कर लिता जाता ताकि एक रिपीटिशन ना होती। मैं मेरा मतलब ये कहने का दूसरा मनु थोड़ा जहा लगता है कि इस मिसरे की जड़ी लाइन है दूसरी उजड़े पुजड़े बाजारा ने की तरक्स इतने थोड़ा जहा मामूली जहा वजन की मनु थोड़ी जी लगती है। बहरहाल साथी उससे गल कर लो, हो सकता है मैं गलत हूँ जी। अगर ये भी देखा जाए तो ठीक है कि अगर उजड़े चो पुजड़े काट देता जाए, बस पुजड़े काट देता जाए तो मेरा ख्याल है जो वजन पैदा पे वजन देता जो बोझ पैदा पी है ना, कि वीरानी में डुबे हुए शहरों के उजड़े बाजारों ने किया रक्स, ये पुजड़े काट देता जाए तो मेरा ख्याल है वैसे भी लफ्ज़ कुछ थोड़ा जहा फालतू जी है, तो वो जो वजन तो बोझ पे पैदा वो भी बराबर हो जैसे मेरे ख्याल है। नदीम साहब थोड़ी गल ठीक है, लेकिन उस मैं समझना शायद और रवानी न रहसी बहर के बीच थोड़ा जहा रुकावट पैदा हो जैसी रुक जैसी चीज़, तो अगर चे इस रिपीटिशन हुई है इस मिसरे दे विच भी कि वीरानी भी है तो वत कुजड़े पुजड़े भी है मिलते जुलते लफजन, तो अलबत्ता इन्हों थोड़ा बहुत तब्दील कर दिया जाए तो वह ज़्यादा बेहतर हो सी। रिव्यू कर ज़्यादा लंबो लंबो हो जैसे ज्यादा लंबी हो जैसे दूसरे आगे पीछे कुछ करना चाहिए। सब ते वतन जिसनो सी कहने ना एक सब होता है एक वतन होता है जो वतन वाला ऐसा लफ्ज के जरा दो हो से तो रिपीटिशन ये कहते दो दोहराई गए वो ना अल्फाज में वीरानी विच भी ये बात उजड़े पुजड़े विच भी है तब थोड़ा जहा तब्दील कर दिया जाए तब असल जी भी होता है कि शहर वीरान होता है तो बाजार उजड़ है ना, इस वजह से शहर शहर में वीरान किता के बाजार उजड़ जी और बस दे शहर दे बाजार उजड़े उजड़े नहीं होने, इस वजह से वो शायर ने अपनी तरफ गलत ठीक की थी जी, ये वीरान डूबे हुए शहर है इन्हीं का कि हंस दे वास दे शहर दे उजड़े बाजार में किता हंस दे वास दे शहर उजड़े हो ही नहीं सकते ना, तो बस वीरान डूबे हुए शहर दे बाजार उजड़े कुछ नहीं होने, शहर ने अपनी तरफ इस खामोश सहमे सहमे मौसम विच पब्बां पार मैखारा ने कीता रक्स। एक और खूबसूरत शेर है पब्बां पार मैखारा ने, उन्होंने कहा ना कि उम्र लंघियां पब्बां पार,
यानी किया जाता है कि इंसान बिल्कुल रेडी बैठा है, तैयार बैठा है बाबा पार किसी भी चीज़ से, तो उम्र अन फन लंग जनियन इधर मैं खार भी बाबा पार बैठे हैं इस खामोश सहमे सहमे मौसम बाबा पार मैं खारा ने किता रक्स मैं खार तो बाबा पार जोड़ा है तो ठीक है एक तशबीह दी गई है लेकिन खूबसूरत तशबीह है मैं समझना हूँ जी जनाब सदर मनु इस शेर दे विच एक रुकन काट लगता है इस खामोश सहमे सहमे मौसम विच यानी तुसी जद ओतले उसे नाल उसनु सामने रख दियो ना जद भी मेरे विचारा ने कीता रक्स इस खामोश सहमे सहमे मौसम विच इसे विच मतलब दे या एक सबब दा इजाफा मेरा ख्याल है कि होना चाहिए तो उसका थोड़ा जब वो जैसी वजन पब्बा पार मैं खारा ने कीता रक्स ये तो ठीक है लेकिन साने तो यह सुना है कि मतलब आम तौर पर जो होंगे ठीक है शायर की अपनी फिक्र है कि मैखार जो होंगे तो वह फसले गुल दे विच या थोड़े इस ऐसे मौसम के विच जो जवान उन्हों ना मौसम के विच रक्स वगैरह कर दें तो खामोश सहमे सहमे मौसम के विच तो रक्स नहीं किए जाते बार कैफ शायर की अपनी फिक्र है ठीक है देखो पहले शहर भी रानी है वीराने डुबा है शहर है उजड़ा पुजड़ा बाजार है तो मौसम भी जरा सहमा सहमा होया है तो बाद उस मैं खार कितों आ गए तो उन्होंने रक्स किधर से आ गया जब शहर कोई आई नहीं गा उजड़ा पुजड़ा है तो ये लोग किधर से आ गए इन्होंने मतलब किस तरीके से उसे आके रक्स किया है इस थोड़ा जहा मतलब तवज्जो तलब है वो और किया जाए डॉक्टर साहब की गजल या उसे ना हर शेर का अपना एक होंगे जरूरी नहीं गा कि अगर उसे अलबत्ता नज़म हो सके तो बात असं कह सकते हैं इसे हर शेर की अपनी हो सकते कोई मशरक जी हाँ गजल का हर शेर अपनी जगह पर एक मुकम्मल होंगे बाकी उसका काफ़ी हद रदीफ एक ही चलता रहता है मखमल ते किनखाब दियाँ तारा विच मेहनत दया औजारा ने किता रक्स वैसे लफ्ज़ किन ख्वाब है कि कम ख्वाब है किम ख्वाब है किम हाँ ठीक है अच्छा मेरा किन ख्वाब है इस्तेमाल किन ख्वाब लिखा किम ख्वाब अच्छा मेरा कहने का मतलब मैं समझ गया हूँ आम तौर पर किन ख्वाब कहने मेरा कहने का मतलब है कि जो अदबी जबान लिखी जी नहीं तो इसका लफ्ज़ भी वही लिखा जाएगा कि जो अदबी तौर पर मुस्तमिल हो अच्छा वो किन खाबी उसी बात मखमल दे किम खाब दियाँ तारा बिच मेहनत दियाँ औजारा ने किता रक्स अच्छा ये तो हूँ चलो लिखा गया है लेकिन दे हाँ जरा इन ठीक पहले पता सर लग सी कि औजारा ने उसने मोनस कर दिता है मेहनत दियाँ औजारा जबकि लिखा ठीक है मेहनत दे हाँ लफ्स ठीक है लिखा गया इस तरीके से वे और बाद खैर वो तो ठीक हो सकता है तो मखमल दे किम खाब दियाँ तारा बिच इतने बाद कुछ उस तरह का एक थोड़ा जा हाँ थोड़ी जी इस पहले मिस्र अधिकार इस शेर के जड़े मखमल तीसरा चौथा ते ए पांचवा में ए एक वजन उस पायान पहले दो जड़े तो उन अंदर थोड़ा जा वजन बखाया बाद उस मेरा ख्याल वो वजन ठीक है उस दिन अगर इसको निकाल दें ना वजन तो यू फिर उसी असल वजन वो ही हाँ ते मखमल ते के ख्वाब में हम दिया तारा दे विच इतने भी दे विच आ गया जरा काट काट पर लग दे बराबर खाना है मेहनत दिया औजारा मेहनत दे औजारा ने इतने बाद जरा जा गलबात महसूस होती है मेहनत दे औजारा दे तो औजारा जो है ना इससे भी जरा गौर मांग दे जी जी बिल्कुल शेर दे जड़ी इन्होंने गल की ये औजार आके थोड़ा जाओ शेर दे हुसन नु प्या मुतासर करता है दूसरा ये कि गज़ल दा अपना जड़ा एक हुसन है तो उस ऐसे लफ्ज़ होने चाहिए कि जड़े उसका तकाजिया पूरा करूँ क्योंकि गज़ल दा अपना एक हुसन होंगे तो ये बाज़ लफ्ज़ आके यानी खूब बड़ी अच्छी फिक्र पे चल दिए तो इस बाज़ जगह च आके हूँ बाज़ चीज़ा आके उसनों थोड़ा जा टच कर दिया तो उसका हुसन थोड़ा जा मुतासर होंगे तो मैं समझना कि गज़ल दे हुसन से थोड़ा जी चीज़ पर बाहर जाती है ना और जड़ा वजन है वो एक मामूली जहा थोड़ा जा पहले उसे चाहे एक एक हाँ जी ख्याल तो बड़ा खूबसूरत है शुरू से हर एक उसका बड़ा अच्छा पहचान है लेकिन ये हूँ मेहनत दियाँ औजारा ने किया रक्स इतने ये हूँ गज़ल का हुसन नहीं पिया नज़र आता ना बाहर क्या ठीक है अवैस साहब की गल के नाल इतफाक किया जाता है कि इस मिसरे के वजन की थोड़ी जी कमी है तो इसको बराबर करने की जरूरत है डिग्रिया वाले ना उम्मीद जवानों
वेख वेख के खरकाना ने किता रक्स। वाह, मैं कहना कि इस शेर की जितनी तारीफ की जाए घट है। इस शेर के विचार के कुछ कह दिया गया है कि जिस तरह कहने ना कि बास गल पूरी किताब लिखने के नाल भी वो क्लीयर नहीं होती, लेकिन शायर उसने अपने दो मिसरों के विचार इतना आसानी बयान कर देता है कि वह सारी गल जिड़ी कि दो किताबों भी बराबर नहीं आती, दो मिसरों बराबर हो जाती है। इतने आके जी गल कर दी गई है डिग्रिया वाले ना उम्मीद जवाना वेख वेख के खरकारा ने किता रक्स। मैं कहना इस शेर की जितनी भी तारीफ की जाए घट है जी, तो कमाल है कि इतने आके सारे रुकन भी तकरीबन मेरा ख्याल है बराबर ही लगते, अच्छे लगते मैं डिग्रिया वाले ना उम्मीद जवाना वेख वेख के खरकारा ने किता रक्स। अपने तौल तो भी बराबर है, अपने जड़ा चल रहा पे उस एक मीटर पर चल रहा पे उस भी बराबर है, जो इसका काफिया रदीफ है उस भी बराबर है, तो अपने माने के लिहाज न समंदर है समंदर ए शेर। वाह जी, बिल्कुल जनाब सदर, ये शेर अपने वजन फनी लिहाज न बिल्कुल सेट है, तो फिक्री लिहाज न भी खूबसूरत शेर है। बल्कि सदर महफल ने थोड़ी देर पहले गल दोहराई है कि हसब हाल, तो ये हसब हाल शेर है जी, बड़ा खूबसूरत शेर है, तो ये इस वक्त का तकाजा पे कर दे, मतलब इस तरीके का अदब होना चाहिए, सामने आना चाहिए। और मैं समझना कि एक हिसाब से तनकीद भी है साड़ी जड़े इस टाइम से, मतलब जड़े साहिब इक्तदार या जड़े लोग उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से तंज भी किया गया इस शेर, बड़ा खूबसूरत शेर है, बड़ा आला शेर है। बहुत शुक्रिया। देखो जी, इस माशरे की बेहसी के उ बहुत ज़्यादा तंज किया गया है कि पढ़े लिखे जड़े लोग हैं, जड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, जड़े डिग्रियां लैके फिरते हैं, इलम वाले लोग हैं, हुनर वाले लोग हैं, वो बड़े सख्त ना उम्मीद हैं, क्योंकि उन्होंने कम रोज़गार नहीं गा, नौकरियाँ नहीं गा, कारोबार नहीं गा, कम नहीं गा, तो उन्होंने वाल वाल देख देख के खरकारा ने किया रक्स। बहुत खूबसूरत मैसेज है, बेहतरीन मैसेज है, जो कि हसब हाल अजकल दे उसे होते बिल्कुल 100% पूरा उतर दे। इस शेर के उत्ते सिकंदर साहब ने मुबारकबाद देने तक सिकंदर लेखा भी हूँ चीख किया जिया ए परकारा ने किया रक्स। ये भी एक खूबसूरत माने लेते हैं शेर, बड़े खूबसूरत माने जी के एक तरफ लिखा उनके उन्होंने चीख पियान के हथा देते कड़ियाँ प्रकारा ने पता नहीं किस तरह का रक्स किया है, हदियाँ लकीरों को देख के शायर कहते हैं कि लकीर जड़ियाँ हद के उ रक्स पे कर दें उन्होंने, वो इधर उधर जाना जड़ा है एक रक्स ये, तो वह लिखा बजड़िया भी हूँ चीख पियान कह रहा है सानू किस तरह बढ़ा दिता गया है सानू, क्योंकि कहते हैं ना कि हदियाँ लकीर के नाल इस किस्मत का हाल पता चल रहा है, जिसका इसते इलम है, जिसका इसते यकीन है उन्होंने लोगों से, क्यों कहने आदियाँ लकीर जड़ियाँ तो किस्मत हाल दस दियां। इतने शायर ने बड़े खूबसूरती कहता कि वह लकीर भी आखिर चीख पियान कि यार मेरा मन किस तरीके से बढ़ाया गया, जिस तरह कोई इंसान बाद होगा तो अपने तो आप ही खफा हो जाता है कि यार मेरे मन ये किस तरह बढ़ाया गया है, लोग तो बड़े सोहने सोहने होंगे मैं सोहना नहीं गाँव, या कोई कहना यार लोग तो बड़े हेल्दी होंगे तो मैं बड़ा सुखा सड़ा हाँ, या कोई मोटा होंगे तो कहने यार लोग कितने स्मार्ट होंगे मैं इतना मोटा हाँ, तो अपने तो आप इंसान जी गल कर देना। वो सिकंदर ने इतने ये बताया, शायर ने बताया कि आदियाँ लिखा भी आखिर चीख पियान कि मनु तो बढ़ाया गया है, बढ़ाने लिए तो कुदरत है, लेकिन पता नहीं किस तरह बढ़ा देता कि मैं मेरी कोई कल ही सीधी नहीं आनी पई, कोई रास्ता मेरे से सीधा भी नहीं आता। ये भी एक खूबसूरत मकता है जी। जी फिक्र तो देता दीप साहब ने गल कर ली थी, मैं अते कह सक कि हूँ इस मकते दे भी आखिरली लैन थोड़ा जा वजन सेट है, लेकिन थोड़ी जी उस रवानी नहीं गई, इतने मेरा ख्याल है कि इस भी थोड़ा जा साहेब शिक दी आपड़ी सवाब देते हुए थोड़ा जा इस तरीके से कर दो कि थोड़ी जी रवानी पैदा हो जाए, यानी वो पढ़ने दे भी थोड़ा जा दुश्वारी आती है ना। तक सिकंदर लीकां भी हूँ चीख पियां किया जिया ए परकारा ने किया रक्स, ये हूँ किया जिया ए परकारा इतों तक जरा ना इस मेरा ख्याल है कि थोड़ा दोबारा असर इन साहेब शिक दी आपड़ी सवाब देते हुए वो देख लो उनका अच्छा होशी और भी खूबसूरत बड़ा शेर, अच्छा शेर है फिक्री लिहाज ना उम्दा शेर जी। इस हदियाँ लकीरों का इन्होंने जो जिक्र किया है, दूसरे अल्फाज अगर किया जाए तो किस्मत की बेसबाती का जिक्र किया गया है कि यार किस तरह की किस्मत है कि सारे हथा दिन लकीर तकरीबन मिलदियाँ जुलदियाँ, तो मैं क्यों इतना उजड़ाया, मैं क्यों इतना वीरान हाँ, मैं क्यों इतना खराब हाँ, मैं क्यों इतना तबाह हाँ, तो मैं क्यों इतना बर्बाद हाँ, तो ये चीज़ सुन के जो प्रकार ने जड़े कि बड़ा ही मुनासिब तो कैलकुलेटेड दायरा लगानियाँ उन्होंने जड़ा रक्स किया है। इस दूसरे मिसरे के किया जिया ए
ज़रा जो अगर एडजस्ट कर लिया जाए तो इस मज़ीद खूबसूरती आ सकती है। जी गज़ल तो हो गई है, तो इस गज़ल तो हूँ मैं आखिर ते साहिब सदारत में गुजारिश कर सो अज की पूरी इस तनकीद देते अज की इस पूरी गज़ल देते तो अज्ज सारी जी सा नशस्त है उस बारे अपने ख्याल का इजहार कर सन साढ़े साहिब सदारत जनाब खालिद मसूद बुखारी साहब जी। अहमद नदीम आवान साहब ये सिकंदर हयात साड़ी नस्ल जड़ी नौजवान नस्ल है उसका एक नुमाइंदा शायर है और जड़ी सच्ची गल करने दे इचकार कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता ये बड़ी खूबसूरती है और इसका जड़ा मतलब है हासिल गज़ल शेर है वो यही है डिग्रिया वाले ना उम्मीद जवाना नू है ना जी देख के खरकारा ने कीता रक्स ये असल गज़ल है ये सारी मतलब इस गज़ल नू इसने कर समो देता है और शायद असी कोई गलत समझे हुई है कि ये प्रकार वो ज्योमेट्री बॉक्स वाली है या वो पुरकार हैं जड़े के पुरकारियाँ कर दें है ना जी इसनू ए खुद ज़्यादा बेहतर तरीके ते बता सकसन क्योंकि अतियाँ लकीर जड़ियाँ वो ते तेरी पूरी जिंदगी दी एक कैलीग्राफी होती है लेकिन कुछ पुरकार लोग होंगे जेडे तेरी जिंदगी दे मुखिल हो जाने और तेरी जिंदगी नू अच्छा भी कर देने और बुरा भी कर देने और बहुत खूबसूरत शेर और बहुत खूबसूरत गज़ल सिकंदर ने लिखी है इस ते मैं इस मुबारकबाद देना और इस दी फिक्र नू सलाम करना क्योंकि इसने जिन्हें गल्लां कीतियां वो अज दियां सच्चाइयां ये जिन्हें सच्चाइयां और सच्चाइयां वो ही है कि मगर वो कहने मगर नाजम भाई जो के पेश है यार मी रक्सम है ना जी मतलब बे अब रक्स जड़ा है वो तेरी सारी बॉडी लैंग्वेज होती है सारी तेरी जिस्म दी वो तेरे अंदर दी तेरे बाहर दी हर एक शायर नू बयान कर दी है और ये मेरा ख्याल है बस मैं इसी ते इसनू महदूद रखसा कि ये जड़ियाँ पुरकारियां ये साड़ी जी उस दे चकार सोसाइटी नू पईयां खराब कर दियां ते असी चाहने कि अल्लाह ताला कोई अजिहा पुरकार पैदा करे जड़ी साड़ी सोसाइटी नू सजा देवे है ना जी साड़ी तहजीब दे से एक बेहतर साबित होवे और दुआ भी करना कि अल्लाह ताला सिकंदर आयात नू जिंदगी देवे और इस दी फिक्र नू बालिदगी अता करे और इस दे कलाम दे चकार मजीद वसत पैदा करे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी आज दी एक खूबसूरत गज़ल पेश की गई है सिकंदर आयात सिकंदर की तरफों उसे ते खूबसूरत गलकत की गई है साड़ी ये भी मैं बता दूँ एक दफा बाद कि साड़ी 667वीं आज की नशिस्त है जी कि गंधारा इनको बोर्ड के तहत गंधारा इनको अदबी इकट्ठ के विचकार होती है आने वाली साड़ी 668वीं नशिस्त उसी जिसके बारे बता दिता जी क्योंकि कुछ मौसम के हालात तो कुछ दूसरे भी मसरूफियात होंगे इस वास्ते असी अपने बाद विचकार साड़ी कमेटी बैठ के उस बारे फैसला कर दिए तो इंशाल्लाह जो भी होया तो सबन बता दिता जी उस वक्त तक साड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला तुहानू खुश ते आबाद रखे जिथे भी रहो खुश रहो आबाद रहो रब राखा ते अल्लाह वेली।